हमारा इतिहास भरा पड़ा है जब हिंदुओं की ओर से कोई टूटकर दुश्मन के साथ मिल गया। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदुओं ने अपने गद्दारों को दंडित करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनसे घृणा करना, उन्हें कहीं सम्मान न मिले ऐसा वातावरण बनाना भी बंद हो गया। विश्व में हिंदुओं की स्थिति का ये हृदय विदारक चित्र है। बांग्लादेश में मंदिर बनवा रहे 6 सगे भाइयों की ट्रक चढ़ाकर हत्या कर दी गई। ऑटो में बैठी ये 6 महिलाएं उन्हीं की विधवा हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जारी हिंदू नरसंहार में 6 नाम और जुड़ गए। बांग्लादेश तो मजहबी चंगुल में है, भारत में भी स्थिति इससे कुछ अलग नहीं है। वो भारत में होते तो भी इसी तरह से मारे जा सकते थे। भारत में उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती, अखबार और चैनल उनके मरने का समाचार नहीं दिखाते। कोई सरकार या मानवाधिकार संस्था उनकी बर्बर हत्याओं पर चिंता नहीं जताती। वास्तव में हिंदुओं का कोई मानवाधिकार है ही नहीं, मरना उनकी नियति है, आज से नहीं 1000 वर्ष से। झारखंड में सरस्वती विसर्जन के लिए जाते समय रुपेश कुमार पांडे को मजहबी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। भाजपा को छोड़ दें तो कोई सेक्युलर पार्टी उसके परिवार वालों से हाल पूछने तक नहीं गई। तबरेज चोर के लिए महीनों तक छाती पीटने वाले भारतीय मीडिया ने रुपेश की हत्या का समाचार भी गायब कर दिया। गुजरात में किशन भरवाड़ को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ कहने की हिम्मत कर दी थी। शिवलिंग पर पेशाब करने वाले आसिफ को थप्पड़ मारने का समाचार कई दिन तक देश की सबसे बड़ी खबर रहा, लेकिन किशन भरवाड़ की हत्या की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी। तमिलनाडु में लावण्या सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में धकेल दी गई क्योंकि वो अपना धर्म छोड़कर ईसाई बनने को तैयार नहीं हुई। तमिलनाडु की सरकार और पूरा सेक्युलर तंत्र खुलकर हत्यारे ईसाई मिशनरियों के साथ खड़ा है। जो मीडिया हर समाचार में दलित का एंगल घुसा देता है, उसने दिल्ली में इरफान के हाथों मारे गए हीरा लाल की जाति छिपा ली ताकि भीम मीम एकता पर आंच न आने पाए। दिल्ली में दंगे हुए थे हिंदुओं के विरुद्ध, लेकिन अदालत ने सबसे पहले सजा सुनाई उस दिनेश यादव को जिसने आत्मरक्षा में हथियार उठाया था, जबकि दंगों के असली षड्यंत्रकारियों की जमानत पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हो रही है। हिंदुओं पर ऐसे ढेरों अत्याचार प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? आधे से अधिक लोग आज भी सेक्युलरिज्म के नशे में हैं और उन्हें अपने ही चारों ओर लगी आग दिखाई नहीं दे रही। दूसरा दोषी हिंदुओं का वो नेतृत्व है जो आज भी मजहबी भेड़ियों के साथ सह अस्तित्व का सपना देखता है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है जब हिंदुओं की ओर से कोई टूटकर दुश्मन के साथ मिल गया। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदुओं ने अपने गद्दारों को दंडित करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनसे घृणा करना, उन्हें कहीं सम्मान न मिले ऐसा वातावरण बनाना भी बंद हो गया। इसी का परिणाम है कि जिस देश में हर दूसरे दिन हिंदू होने के कारण लोगों को मारा जा रहा हो, वहाँ क्लासरूम में बुर्का और हिजाब पहनने के अधिकार पर राष्ट्रीय बहस चल रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं? फल सब्जियों से लेकर हर छोटा बड़ा सामान बहुत सोच समझकर और पहचान पक्की करके खरीदें। वैसे भी आप नहीं चाहेंगे कि खाने पीने की चीजों में थूका हुआ हो। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई और लोहार जैसे सारे काम आस्था के आधार पर लगवाएं। थोड़े महंगे हों तब भी, थोड़े अनरिलायबल हों तब भी, थोड़ी कम गुणवत्ता दें तब भी, समय पर काम ना करते हों तब भी। हर उस व्यक्ति और समूह का बहिष्कार कीजिए जो अपने समाज, धर्म और देश पर कुदृष्टि रखता है। लाइफ साइकिल कॉस्ट की अवधारणा को जानिए। ऊपर लिखित हर वस्तु या सेवा की आज की कीमत नहीं, अपने पूरे जीवन और बच्चों के जीवन के सारे खर्चों से तुलना करें। आपके मकान का मूल्य गिरेगा या बढ़ेगा? आपकी बिजली महंगी या अनरिलायबल होगी या नहीं होगी?
आप क्षेत्र में डॉक्टर रहेंगे या पलायन कर जाएंगे? बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं? मिलेगी तो वेतन कितना होगा? सब इस पर निर्भर करेगा कि आज आपने घर का नल किससे ठीक कराया या आप फल सब्जियां किससे खरीदते हैं।